अरे आ गए, वेलकम। अगर आप भी सोच रहे हैं मैंने काला चश्मा क्यों लगाया है, तो पहले आप ये वीडियो देखो। कैसा लगा? आ गया स्वाद, ले लिए मजे। नहीं, बंदे का टैलेंट देखो आप। बंदा कुशन लगा के 15 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा दे रहा, उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। कुछ भी? उम्मीद करते हैं पहली वीडियो देख के आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारी ये वीडियो किस पर आधारित होने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज हम फिजिक्स की ऐसी की तैसी करने सॉरी 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 फिजिक्स की ऐसी की तैसी करने वाली मूवीज की ऐसी तैसी करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, ऐसी मूवीज तो हम बचपन में देखा करते थे। मुझे तो लगता है इसके डायरेक्टर को बचपन की बहुत याद आती होगी। नहीं, या तो ये डायरेक्ट करने से पहले ऐसा गांजा फूंकता है जो इन्हें बचपन दिखा देता है अपना। गजब बेइज्जती है। और उन्हें फिजिक्स या साइंस नामक किसी भी विषयों का आभास ही नहीं होता। नहीं नहीं, मुझे ये लोग वही लगते हैं जो एक और एक को 11 बताते हैं। नहीं, ये तो सोच लेते जो रस्सी के सहारे बेल्ट लगाकर हौले हौले धीमे धीमे नीचे उतरते हैं, वो क्या चूतियां हैं। लेकिन एक मिनट, इस बिल्डिंग में स्टेयर्स नामक सीढ़ियां नहीं थी क्या? ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। भाई अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, मगर फिर मैंने ये वीडियो देखी। रुको रुको रुको, इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। पहले मेरे दोस्त को नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी थी, मगर फिर किसी ने उसको ये वीडियो देखने को कह दिया। अब मेरा दोस्त अंधा भी है। अब आप ये वीडियो देख सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। इस वीडियो को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर न्यूटन और आइंस्टाइन में से आज कोई भी जिंदा होता तो वो फिर से मर जाता। भाई इसने तो फिजिक्स के साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स भी खड़े खड़े मार ली। उसके बाप के सामने गोली चली और उसका बाप गाना गा रहा है। और ये कारवां यहीं नहीं खत्म होता, उसका कोमा में पड़ा बेटा वो गाना सुन के उठ गया और उसके बाद वो एक्सरसाइज करता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर वो बूस्ट पीता है। और उसके बाद अपना भविष्य दिखाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसके बाद वो अपने बाप को बचाने रोलर से जाता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? वहां पहुंचकर वो गोली के सामने खड़े होकर उसे पीछे ढकेल रहा है। ग्रैंड मास्टर सिफू जी, हाँ एक बंदा और मिल गया मेरे को। अरे मैं लेके आ रहा हूं यार उसे। म्यूजिक। भाई इंडियन आयरन वुमेन देखी है? आयरन वुमेन
वो भी इंडियन। चल बे, सुबह से मैं ही मिला क्या? भाई मुझे कोई 10 रुपए का जहर लाके देगा क्या? क्यों भाई, सुसाइड करेगा? नहीं रे बाबा, इनकी चाय में डालेगा। मतलब बंदी का स्वैग देख रहे हो? बंदी ने 2600 फीट पर सेकंड की स्पीड से आती हुई बुलेट आंखों से ही देख ली। अब दीदी यहाँ ही नहीं रुकती है, दीदी ने वो गोली हाथ से रोक भी ली। पर ह्यूमन रिफ्लेक्स। हेलो हेलो भाई, आयरन मैन का सूट क्रैश हो गया क्या? जार्विस ने आपकी वीडियो देख ली और कह रहा है मुझे अल्ट्रॉन से ज्यादा खतरा इन दीदी से है। अच्छा, और ये दीदी यहाँ कर क्या रही है? शादी। अबे इसे तो बॉर्डर पे होना चाहिए था। क्या बढ़िया था गुरु। हेलो, हाँ ग्रैंड मास्टर सिफू जी, एक फीमेल कैडेट है जिसने आयरन मैन को हरा रखा है। हाँ, इंडियन ही है। वीडियो भेजूं? जी जी बिल्कुल। तो बस यार, अब ये चुतियापन मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं इस दुनिया से बाहर जा रहा हूँ। वैसे वो लाइक करना ना भूलना, और वो लेफ्ट वाले बटन को राइट वाले बटन को दबा के जाना यार। ठीक है।